अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जा रहे हैं शादी में गांव, तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो अब हम लोग आ गए हैं फ्लावर्स की दुकान पर और हमें यहाँ से दूल्हा दुल्हन के लिए फ्लावर्स लेने हैं, और जो कि बनेगा रोज़ का बुके, सिर्फ रोजेज रहेंगे उसमें, और ये भैया बना रहे हैं। सो फाइनली हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है और ये बुके भी रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो चलिए हम लोग लेके जर्नी को शुरू करते हैं। और सरसों के खेतों को देखकर तो गाइस सिर्फ दो ही चेहरे सामने आते हैं, एसआर के और काजुल। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। सो ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ का, कि मज़ा ही आ गई हम लोग को ये देखकर। सो अब कुछ ही देर में हम लोग अपने घर पहुँचने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचते हैं वैसे ही आपसे मिलते हैं। हे गाइस, कल आए तो रात हो गई थी, तो इसलिए कुछ शूट नहीं किया। अब स्टार्ट करते हैं शूट को और पूरा घर आपको दिखाते हैं, फिर अभी तैयार होंगे जाएंगे। तो अभी शादी में जाएंगे, आप लोग को वहाँ का थोड़ा माहौल दिखाएंगे, तब तक के लिए आपको घर दिखाते हैं अभी। चलिए सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर और ये है हमारा घर, ये खड़ी है कार और ये देखिए ज़ीशान भाई सामने खड़े हैं किसी बच्चे के साथ। चलिए उससे मिलते हैं हम लोग, वहाँ जाके उससे बातें करते हैं, कुछ करते हैं अगर वो डर ना जाए, क्योंकि यार बच्चे उससे डर जाते हैं जल्दी। हम लोग आ गए हैं छत पर और एक शायरी याद आई है कि छत है बहुत बड़ी, छत है बहुत बड़ी और जहाँ देख रहे हैं वहाँ है सिर्फ लकड़ी ही लकड़ी। आप बताइए ये शायरी मेरी कैसी लगी आपको? सो बस यही थी गाइज हमारी ये फाइनल डेस्टिनेशन, हमें खाने की टेबल चाहिए थी बस। अब हम लोग बैठ चुके हैं खाने की टेबल पर और बस खाने का इंतज़ार है, खाना ही नहीं आया है बस। और ये देखो भाई को तो नींद आने लगी यार, इतनी लेट खाना आया कि नींद आ रही है। और बगल वाले अंकल सोच रहे हैं कि साले आ क्यों गए। तो सो खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग आ गए थे यहाँ ग्राउंड पर। ये वो ग्राउंड नहीं है गाँव का जिसमें मतलब यहाँ गाँव मार्केट भी लगती है, यहाँ सब्जी वगैरह ये सब मिलता है। सो ऐसे ही घूमते घूमते देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये हमें लग रहा है कि ये सिंघाड़े का तालाब है। चलिए वहाँ चल के देख लेते हैं एक बार कि शायद हम लोग सही हों या गलत हो, पता नहीं, कोई हमारे साथ गांव का लड़का भी नहीं है, ज़ीशान भाई हैं और हम हैं, तो चलिए देख लेते हैं गांव। शायद से ये सिंघाड़े का तालाब है पर कंफर्म नहीं है। और अरे लग रहा है कि अरे भाई यहाँ तो होल होल भी है, लग रहा है सांप ना निकले बस, हो सकता है। और ये गाँव की प्यारी सी शाम, बस एक कप चाय मिल जाती तो भाई मज़ा आ जाता। सो गाइस गांव है और गांव की वाइब लेना तो बनता है। सो अभी हम लोग कर रहे हैं सोने का इंतज़ाम, पैरा बिछा लेंगे, पैरे के ऊपर लगाएंगे बिस्तर और फिर उसी पर आज हम लोग सोएंगे, क्योंकि पैरे पे लेटने का गाइस मज़ा ही कुछ और है और इस पर बहुत ही मज़ा आती है सोने में और बहुत ही अच्छी नींद आती है। एक तरीके से देखा जाए तो एक बेहतरीन बेड का काम करता है ये। हम लोग सोने जा ही रहे थे पर सारे कजिन्स थे, सब लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग ने सोचा कि चलो छोटा सा बॉनफायर कर लेते हैं। सो गाइस अभी मम्मी पापा लोग सब लोग गांव में ही हैं और हम अकेले जा रहे हैं कानपुर, क्योंकि मेरा कॉलेज में एक टेस्ट है परसों, तो मुझे वो देना है। और गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है, सो अपने पहले व्लॉग के लिए हम एम करते हैं 111 लाइक्स का। 111 लाइक्स अगर हो जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर आएगा। सो ये है हमारे कानपुर की ई बस, इसमें बहुत ही फॉरेन वाली वाइब आ रही है हमको तो इस वक्त, और रात का व्यू भी है, बहुत ही मज़ा आया। होप कि आप लोग को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग।